कल दिनांक 6 जून को हिंडौन शहर में लगातार दो घटनाएं हुई थी। प्रथम घटना जो थी वो दो व्यापारियों के साथ में लूट की वारदात होना और तत्पश्चात फायरिंग को अंजाम दिया जाना। सायंकालीन में यहीं डैम्प रोड पे एक केमिस्ट की दुकान पर जो है फायरिंग की घटना हुई थी। दोनों ही घटनाओं से जनसाधारण में हिंडौन शहर में काफ़ी रोष व्याप्त था। कल जैसे ही घटना कारित हुई उसके उपरांत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक PO हिंडौन दोनों के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया। तत्काल ही आरोपियों की पहचान सुनिश्चित की गई। आरोपियों की पहचान सुनिश्चित होने के उपरांत अलग अलग दिशाओं में टीमों को रवाना किया गया और टीम में हिंडौन सर्किल के समस्त SHO, DST टीम और साइबर सेल सभी का इसमें योगदान रहा है। और इन घटनाओं में कुल 4 व्यक्तियों को हम प्रथम दृष्टि आइडेंटिफाई कर पाए थे और उन चारों ही व्यक्ति को जो है हमारी टीमों ने सार्थक प्रयास करते हुए गिरफ्तार किया है। चारों आरोपियों में मुख्य आरोपी जो है पप्पू कोहली और इसके 3 सहयोगी भूपेंद्र जाट, सागर और मुबारक, इन चारों को जो है हमारी पुलिस टीम ने अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया है। 2 व्यक्ति हैं जिन्हें वजीरपुर 2 घटनाएं लगातार हुई जिसमें सवेरे जो घटना हुई थी उसमें 2 व्यापारियों के साथ में लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। सायंकालीन डैम रोड पर एक घटना हुई जिसमें एक केमिस्ट की दुकान पर जो है फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। सर्वप्रथम टीमों का गठन करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक करौली और CO हिंडौन के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया जिसमें हिंडौन सर्कल के समस्त SHO और DST टीम, SHO कुड़गांव और नादोती, इन टीमों को गठन करके जो है सर्वप्रथम आरोपियों की पहचान सुनिश्चित की गई। और कल देर रात वजीरपुर इलाके से 2 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया जिसमें भूपेंद्र जाट और संजय पंडित 2 लोग ये थे। इसके अलावा आज सवेरे SHO कुड़गांव, नादोती और DST टीम द्वारा जो है एक हॉट चेज में नैनवा बूंदी से 2 आरोपियों को और गिरफ्तार किया गया जिसमें मुख्य आरोपी पप्पू कोहली और एक अन्य आरोपी मुबारक, इन दोनों को वहाँ से गिरफ्तार करके पुलिस द्वारा इस जो है संपूर्ण घटनाक्रम का पटाक्षेप किया गया है। पूरी तरह से एक टीम भावना से एक अच्छा कार्य किया गया है जिसमें श्रीमान IG साहब के लगातार हमें दिशा निर्देश प्राप्त होते रहे। जिला सवाई माधोपुर पुलिस का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने लगातार समन्वय और सहयोग बनाते हुए इस घटना में हमारा काफ़ी सहयोग किया और मुलजिमों की गिरफ्तारी में हमारा सहयोग किया। जमीन निवास से जुड़ा हुआ देखिए, प्रथम दृष्टया आरोपियों से जो पूछताछ की गई है उसमें ये मामला पूर्व के एक जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ सामने आया है। उसके संबंध में पृथक से एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया जाएगा और वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो पूर्व के जितने भी पुराने